क्या आप जानते हैं कि आप जो रोजाना परफ्यूम लगाते हैं वो सुअर की उल्टी से बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने पाद को रोक ले और उसे पिछवाड़े से बाहर ना निकलने दे तो आपकी मौत भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि सुअर कीचड़ में क्यों लौटता है? क्या आप जानते हैं कि टीनेज में बच्चे आलसी और सुस्त क्यों हो जाते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यूं तो पूरी दुनिया में महिलाएं अपने बल पर घर से लेकर ऑफिस और बिजनेस चला रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की मांग जोर पर है। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो कई मामलों में अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव करता है। इस देश में महिलाओं को अकेले किसी पुरुष से मिलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे आदमी से मिल या बात भी नहीं कर सकती हैं। अगर कोई महिला ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसके अलावा अगर सऊदी की महिलाएं अपने पति या परिवार के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जाती हैं, तो उन्हें अपना पूरा शरीर बुरके से ढकना होता है। हालांकि वर्तमान में कानूनों में हुए कुछ खास बदलावों के बाद महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा दिखाने की छूट दे दी गई है। फैक्ट नंबर 2, मैगी एक ऐसा फास्ट फूड आइटम है जो घर से लेकर गली मोहल्ले की दुकानों से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है। वहीं से खाने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैगी का नशा ड्रग्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई व्यक्ति लगातार मैगी का सेवन करता है तो वो इसके फ्लेवर और स्वाद का आदि हो जाता है। ऐसे में वो जरूरत से ज्यादा मैगी बनाता है और उसका सेवन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे एक अलग प्रकार की खुशी का एहसास होता है। एक सर्वे से पता चलता है कि मैगी लवर का नशा ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो मैगी खाए बिना नहीं रह सकता है। मैगी में कई तरह के फ्लेवर मिलाए जाते हैं जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। हालांकि ये सच्चाई जानने के बाद भी भारत समेत दुनिया भर में मैगी लवर्स की कोई कमी नहीं है, जो एक तरह का एडिक्शन है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले मैगी में कांच समेत अन्य हानिकारक तत्व पाए जाने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद मैगी को कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। हालांकि बाद में कंपनी ने मैगी में सुधार करने का हवाला देते हुए अपने प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने कभी सुअर को देखा हो तो पाया होगा कि वो अक्सर कीचड़ वाली जगह पर लेटा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुअर के ऐसा करने के पीछे क्या कारण छिपा होता है? अगर नहीं तो अब जान लीजिए। दरअसल सुअर कीचड़ में इसलिए लेटा रहता है ताकि वो अपने शरीर के अंदर मौजूद गर्मी को बाहर निकाल सके। आमतौर पर इंसान समेत दूसरे जीवों के शरीर में अंदरूनी गर्मी को बाहर निकालने के लिए पसीने वाली ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी मदद से शरीर के अंदर तापमान बढ़ते ही गर्मी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन सुअर के पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसे पसीना भी नहीं आता है। ऐसे में पसीना ना आने की वजह से तापमान बढ़ने पर सुअर को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो ठंडे कीचड़ में लेटकर अपने शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब इंसान किसी चीज को हासिल करने में बेबस हो जाता है तो वो भगवान से उस चीज को पाने के लिए प्रार्थना करता है। कहा जाता है कि प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जिससे किसी भी मन्नत को पूरा किया जा सकता है। ऐसे में लोग घर, गाड़ी और बेहतर खाना मिलने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहाँ के नागरिक पार्किंग पाने के लिए भगवान के दरवाजे पर जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर नागरिक एक बेहतरीन पार्किंग के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बात का खुलासा हाल ही में हुए एक सर्वे से हुआ है, जिसमें अमेरिका के शहरी इलाके में रहने वाले 7% से ज्यादा लोग बेहतर पार्किंग की जगह पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दरअसल अमेरिका की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को घर से बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक अच्छी पार्किंग ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए वहाँ के लोग अच्छी पार्किंग मिल जाने को भगवान का आशीर्वाद समझते हैं। फैक्ट नंबर 5, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता तो आपने बचपन में कई बार पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में रहने वाली मछली इंसानी खून से भरे टैंक में जिंदा रह पाएगी? अगर नहीं तो आज इस सवाल का जवाब जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। मछली जिस तरह समुद्र के खारे पानी में जिंदा रह सकती है, ठीक उसी तरह वो इंसान के खून से भरे टैंक में भी जीवित रह सकती है। दरअसल समुद्र के पानी और इंसानी खून में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बल्कि इंसान के खून में ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर मछलियों के एक झुंड को पानी की जगह खून के टैंक में डाल दिया जाए तो ज्यादातर मछलियां उसमें जीवित रहने में कामयाब हो जाएंगी। वहीं जो मछलियां जीवित नहीं रह पाएंगी, उसके पीछे का कारण उनके आसपास के परिवेश में आया बदलाव जिम्मेदार होगा। फैक्ट नंबर 6,
आमतौर पर सभी जीव जंतु आँख खोलकर शिकार करते हैं और उसे खाते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम में एक ऐसा भी जीव है जो आँख बंद करके भोजन करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस जीव का नाम है मेंढक। दरअसल मेंढक की आँख शरीर के दूसरे अंगों से काफी विशाल और बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ऐसे में जब मेंढक अपनी जीभ की मदद से शिकार को पकड़ता है तो आँखों की मदद से उस शिकार को खाता है। मेंढक भोजन करते समय अपनी आँखों को बंद कर लेता है ताकि जब वो भोजन निगलने की कोशिश करे तो उसकी बड़ी आँखें खाना निगलने में मदद करें। ऐसा करने से मेंढक की आँखें अंदर की तरफ दबाव बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से भोजन आसानी से गले से नीचे उतर जाता है और पेट तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि दूसरे जीवों के विपरीत मेंढक को भोजन खाते समय अपनी आँखें बंद करनी पड़ती हैं, जो एनिमल किंगडम की अद्भुत घटनाओं में से एक है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किए बिना इंसान के दिन की शुरुआत नहीं होती है। ऐसी ही एक चीज है परफ्यूम, जिसका इस्तेमाल बेहतरीन खुशबू पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग खुशबू वाले इस परफ्यूम को किस चीज से तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए सुअर की उल्टी का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सुअर की उल्टी में एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है जो शुरुआत में बदबूदार होता है, लेकिन अगर उस उल्टी को कुछ दिनों तक स्टोर करके रखा जाए तो उसकी बदबू खुशबू में बदलने लगती है। ऐसे में फिर उस उल्टी का इस्तेमाल परफ्यूम को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी महक थोड़ी स्वीट और आकर्षक लगती है। आपको बता दें कि परफ्यूम के अलावा सुअर की उल्टी का इस्तेमाल कई तरह की वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है, ताकि उसमें एक अच्छी खुशबू पैदा की जा सके। फैक्ट नंबर 8, अगर बंदर हम इंसानों के पूर्वज हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उनके अंदर इंसानों से मिलती जुलती कोई न कोई क्वालिटी या समस्या आज भी जरूर होगी। ऐसी ही एक समस्या है बाल झड़ना, जिससे न सिर्फ इंसान परेशान है बल्कि बंदर और चिंपैंजी भी इससे पीड़ित होते हैं। दरअसल जिस तरह बढ़ती उम्र में इंसान के सिर के बाल झड़ने लगते हैं, ठीक उसी तरह नर बंदर और चिंपैंजी के सिर के बाल भी झड़ते हैं। ऐसे में अगर आप किसी बंदर या चिंपैंजी को पालते हैं तो आप बढ़ती उम्र में उसके बुढ़ापे को देख सकते हैं। जीव विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि बंदर और चिंपैंजी को इंसानों की तरह बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर नर बंदर और चिंपैंजी गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। वहीं मादा बंदर और चिंपैंजी में बाल झड़ने की समस्या ठीक महिलाओं की तरह होती है, लेकिन वो गंजेपन का शिकार नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 9, टीनेज एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चों के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ऐसे में उनकी गिनती ना तो छोटे बच्चों में की जाती है और ना ही बड़े लोगों में। इसके साथ ही उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। कुछ बच्चे अपने टीनेज में आलसी हो जाते हैं और उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, जिसकी वजह से उन्हें माता पिता की डांट भी सुननी पड़ती है। लेकिन ये एक बहुत ही सामान्य बात है जो लगभग हर टीनेजर के साथ होती है। दरअसल इस उम्र में बच्चे के दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और कुछ बेहतर कर दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में शरीर में हो रहे बदलावों, हार्मोन्स के डिसबैलेंस के बीच टीनेजर्स को थकान और तनाव का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी काम को करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो टीनेज में आलस और तनाव बहुत ही आम बात है, इसलिए माता पिता को इसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चे की स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 10, आम तौर पर जब कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में फार्ट यानी पाद मारता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन फार्ट करना कोई मजाक नहीं बल्कि इंसानी शरीर में होने वाली बहुत ही अहम क्रिया है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर पाता है। वैज्ञानिक शोध की माने तो एक अस्वस्थ व्यक्ति दिन में 12 से 24 बार फार्ट करता है, जिसके जरिए शरीर से एसिडिक तत्व और हानिकारक गैस बाहर निकलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक फार्ट को रोकने की कोशिश करता है तो उसे इसकी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इंसान को फार्ट तब आता है जब उसके शरीर में भोजन पचाने की क्रिया चल रही होती है। ऐसे में शरीर से रिलीज होने वाली गैस फार्ट के रूप में बाहर निकलती है, जिसकी वजह से बॉडी को रिलैक्स मिलता है। ऐसे में अगर व्यक्ति अपनी फार्ट को रोकने की कोशिश करता है तो वो डकार के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आप अपनी डकार और फार्ट दोनों को ही रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से पाचन तंत्र में बबल का निर्माण होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को पेट में दर्द, गैस और पेट फूलने की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया में भी रुकावट पैदा हो जाती है। वहीं कुछ मामलों में फार्ट रिलीज ना करने की स्थिति में गैस बनने से पीड़ित का पाचन तंत्र फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।